दिलीप कलंत्री आई एम अ बिजनेस मैन मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है मुझे अक्सर अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरी दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाजार में लगाया उनका घर भी तबाह हो गया ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज से ब्याज लेना गलत है हराम है उसके पीछे इसकी क्या फिलोसफी थी ये मैं जानना जानना चाहूँगा सर भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम में अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेलडाउन में वो जानना चाहते हैं क्यों ये हराम है और कुरान मजीद में कम से कम आठ जगह लिखा है ब्याज के बारे में तो ब्याज लफ्ज है अरबी में रबा सुर नमरान में, में और कहा गया है सूर्य बकरा में सोना नंबर दो आयत नंबर 270 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है और गुनाह कबीरा में इमाम अदहबी ने उसे ग्यारहवें नंबर पर रखा सत्तर गुनाह कबीरा में ग्यारहवें नंबर पर रखा भाई ऐसा पूछे क्यों बुरा है क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है गरीब आदमी और गरीब बनता है अमीर आदमी और अमीर होता है गरीब आदमी और गरीब बनता है आमतौर पे आप जब लोन देने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है अमीर तो आदमी बताएगा मेरे पास ये मेरे पास वो है तो उसको लोन मिलता है तो अमीर और अमीर बनता है गरीब और गरीब बनता है इसीलिए कुरान में सूर्यर में सोलह नंबर उनसठ आयत नंबर सात में फरमाते कि जक़ात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घुमे सिर्फ अमीरों में नहीं रहे और ब्याज से क्या होता है इन इस्लामिक फिलोसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हो मुनाफा या नुकसान आठ फीसद दस टका बारह फीसद आपको देना ही देना नुकसान या मुनाफा लेकिन तो आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे

है कितने सौ रुपया तो आज आज की तहकी कहते मार्केट में फ्लोट हो रहा है सिक्स ट्रिलियन डॉलर है तो कुछ नहीं बहुत कम फ्लोट हो रहा है सिक्स ट्रिलियन डॉलर एक जन बैठता है सब लोग बैठने शुरू होते लीमैन ब्रदर्स कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर वन बैठ जाएगा उसके बाद सिटी ग्रुप एक बेटा सब बैठते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक तो क्योंकि इट डजन इंप्रूव द सोसाइटी इस्लामिक के अंदर जांच पड़ताल होती किसको लोन देना किसको नहीं देना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है सन 1980 में बैंक फंड करती थी सुनेंगे, रिबा किस तरीके से हरा में उसके ऊपर तकरीब मेरी है, है अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में तस्करा कर रहा हूं क्यों इंटरेस्ट हराम में लेकिन इन शॉर्ट वापिस से आज जापान अमेरिका सेंडिंग इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे थे तो मैं फाइनेंस मिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर जो उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू इनशा करेंगे जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें तहकीक नहीं की इंग्लैंड दे चुकी है कई ममालिक चुके हैं इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाजत दी तो इनशाला इनशाला इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेंगी इनशाला द क्वेश्चन। कृष्णगोपाल सिंह पत्रकार मैं विद्वान श्री नाइक साहब से यह जानना चाहूंगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी इस टेर मुस्लिम मनोपली और पूना में भी उर्दू में हिंदी में क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना जरूरी है और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवाद नहीं लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान तो इस जुमले के वजह से मैं तकरीर की थी वक्त की किल्लत है अभी लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है सुर मायदा में शुरू नंबर पांच आयत नंबर बत्तीस में अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है मासूम चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है तो कुरान के आते गोया के वह सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो गोया के वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है तो मुख्तसर सा ये जवाब है अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है इस्लाम में हराम मिसाल के तौर पर नाइन इलेवन तीन हजार से ज्यादा लोग का कतल हुआ ट्विन टावर के अटैक में जो लंडन बॉम्बिंग हुए पचास से ज्यादा लोग मरे जो बॉम्बे के अंदर टेन बॉम्ब्लास्ट हुआ सौ अस्सी से ज्यादा लोग मरे मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है ये सारे जितने अटैक्स है किसने क्या मैं जानता नहीं हूं मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिसने भी किया उसने गलत किया चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास ना यूएसए के पास ना यूके के पास ना इंडिया के पास प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है वो हराम है लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए प्लेन के जरिए गिराए गए वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ अफगानिस्तान में इराक में ये बड़े दहशत गर्द और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ जब हम कहते हैं कि नाइन इलेवन को आप गलत कहो ट्रेन बॉम्बिंग इन लंडन गलत कहो जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोगों का कत्ल हुआ वो भी गलत है इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए पैलेस्टाइन में हो रहा है मासूम लोग का कत्ल हो रहा है बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशत गर्द क्यों डबल स्टैंडर्ड तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो वो दोषी है और हराम में इस्लाम इसकी सख्त मुखालफत करता है